हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी RUHS का BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपको भी वेट है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, कब उसकी आंसर किया आएगा, कितने और मार्क्स पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अगर आपके मन में भी इसी प्रकार के कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि जब भी इसका रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, सबसे पहले अपडेट आपको नर्सिंग गुरुकुल पर ही मिलेगी। वैसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है RUHS के आंसर की और रिजल्ट की। जैसे कि देखो, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि छोटी सी ही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था और 13 अगस्त से आप ये चीज़ बहुत ही सावधानीपूर्वक नोटिस कर ही रहे होंगे, बहुत ध्यान से ये चीज़ देख रहे होंगे। 14 अगस्त हो, चाहे 15 अगस्त हो, 16, 17, 18, 19, आज है 21 तारीख के बीच में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ी हैं, सावन था और साथ ही साथ 15 अगस्त को तो हॉलीडे नहीं बोल सकते उसको, वहाँ पर हमारा वर्किंग डे होता है, बट एज अ पैट्रियोटिज्म हमें शो करना होता है, वहाँ पर वो चीज़ भी थी। साथ ही साथ में बीच में रक्षाबंधन की त्यौहार था, साथ साथ में ऐसी बहुत सारी छुट्टियाँ थी और साथ ही साथ में भारी बारिश, यानी कि बारिश के कारण हो सकता है आपका रिजल्ट लेट हुआ। आप सोच रहे हो कि बारिश के कारण कैसे रिजल्ट लेट हो सकता है, ये चीज़ शायद आपके मन में आई हो। लेकिन देखो, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है काम के लिए, तो बारिश की वजह से काम बंद रहा हो या फिर आपका जो त्यौहार हैं, छुट्टियां हैं, इनकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, आपकी आंसर की है वो डिले हो रही है। वैसे एक्सपेक्टेड तो है कि आज एक्सपेक्टेड थी आने के लिए, लेकिन आज भी हॉलीडे है। क्या है? आज भी हॉलीडे है, आज भारत बंद है। ST SC के रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो आज उन्होंने लोगों ने भारत बंद करके दिया है, तो आज के दिन भी कोई भी वर्क नहीं होना है RUHS में, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 दिन के अंदर, यानी कि 24 से 25 तारीख तक क्या 24 से 25 अगस्त तक क्या 24 से 25 अगस्त तक आपका जो आंसर की है क्या आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगा, आंसर की रिलीज़ होने के कम से कम सात दिन बाद 7 days after आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो आप मान के चलो कि 1 या 2 सितंबर के आसपास रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, यदि 24-25 की तारीख में आपका आंसर की आ जाती है। और अगर 24-25 तारीख के आसपास आंसर की आपकी नहीं आती है तो आपकी जो आंसर की है वो सितंबर में ही आएगी, लगभग आप मान के चलो 1st week of September में आपकी आंसर की और रिज़ल्ट दो के दोनों आ जाएंगे और आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी जाएगी, समझे। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली कि कब आपका आंसर किया सकता है, आंसर की आने की एक्सपेक्टेड डेट जो है 24 से 25 तारीख के बीच में है और रिजल्ट आपका 1 सितंबर के आने के आसपास, ऐसी आशंका और उम्मीदें हैं कि 1 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देखो, अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जैसे कि SMS हो गया और भी हैं अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, जो भी कॉलेज हैं, अगर टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए हैं तो मिनिमम आपके 86+ मार्क्स होने चाहिए, तब जा कर के आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन ऐसा अगर आपके मन में हो कि भाई मेरे मार्क्स कम है, क्या है आपके जो मार्क्स हैं वो कम है, तो फिर आपको मान के चलो कि अगर आपका 65+ मार्क्स है तो आपको एनी गवर्नमेंट कॉलेज, क्या कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा किसी न किसी काउंसलिंग में। वैसे उम्मीद है कि 65 नंबर वालों को 2nd round की काउंसलिंग तक में मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड यही है। और लेकिन जो 40 नंबर हैं जिन बच्चों के या 40 से कम हैं, उनको थोड़ा मुश्किल है, क्या थोड़ा मुश्किल है कि इस साल उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उनको प्राइवेट कॉलेज की तरफ प्रायोरिटीज़ को अपनी रखनी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए। अगर वो कैपेबल हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और आपके 40 नंबर से कम है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपको वहीं पर ही एडमिशन मिल पाएगा, गवर्नमेंट पे इतना पे मिल पाना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर आप इसी पे मूव कर जाओ या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे RUHS BSc नर्सिंग 2024 की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वहाँ पर रिप्लाई ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर लिख भेजना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।